मनीष, अभी आपने तस्वीरें दिखाई, माँ दुर्गा की स्तुति वहां हो रही है, लोग जो है बेहद जोश में हैं और माँ के एक एक दिन को जो है जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। ये बताइए कि सिंदूर खेला कब हो रहा है, क्योंकि अभी भी जो लोगों में कंफ्यूजन है, अष्टमी, नवमी और दशहरे वाले दिन जो होता है सिंदूर खेला होता है, तो क्या सिंदूर खेला कल किया जाएगा या बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि वो परसों करेंगे? ये मैं पूछ लेता हूँ, लेकिन अभी भी कुछ पांजलि खत्म हुई है और अभी भी कुछ लोग आगे खड़े हुए हैं, उन्हें प्रसाद चढ़ाना है, अपने पुष्प अर्पित करने हैं। बहुत कंफ्यूजन है कि सिंदूर खेला कब है, आप लोग कब कर रहे हैं? सिंदूर खेला हमारा विजयदशमी के दिन होता है, वो हम दशमी कल है? के दिन, हाँ वो कल है, हम 13th को है विजयदशमी। यहाँ पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है कि दशहरे वाले दिन वैसे सिंदूर खेला होता है, तो क्या लोग कल मना रहे हैं या कल परसों मना रहे हैं? 300-400 साल पहले जमींदारों के घरों में होती थी, अब जमींदारों का संयुक्त परिवार होता था, सो इसलिए ताकि महिलाओं में कलेश ना हो, घर के पुरुषों ने ये प्रथा शुरू की थी कि महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाएं, एक दूसरे का सम्मान करें और कलेश ना रहे। तो आज भी हम ये प्रथा जारी रखते हैं और माँ के वरण के बाद विसर्जन से पहले सारी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, मिठाई। यहाँ पर कब मना रहे हैं आप? हम मना रहे हैं रविवार को। कल या परसों? परसों। सो कल विसर्जन की पूजा हो जाएगी, बट चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लैरिटी के लिए। और धर्मेंद्र के पास चलते हैं। धर्मेंद्र, आपने हमें मुंबा देवी के दर्शन तो करवा दिए, अब ये बताइए कि आज वहां पर क्या क्या अनुष्ठान होने हैं, क्या क्या प्रोग्राम होने हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अब मैं मौजूद हो गया मुंबा देवी मंदिर के परिसर के भीतर और तस्वीरों से देखें किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। एक अच्छी खासी कतार तो लगी है, लेकिन वहां पर हवन करने के लिए, भैया जरा सा जगह देना, हवन करने के लिए ये देखिए हवन कुंड बनाकर तैयार हो चुका है और पंडित भी तैयार हो गए हैं और अब कुछ देर में यहाँ पर हवन भी शुरू हो जाएगा। इस परिसर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए ये हवन बहुत ज्यादा स्पेशल है, साथ ही साथ गर्मी बहुत है यहाँ पर, ऐसे में सेवादार भी जुटे हुए हैं परिसर के भीतर, अपने अपने तरीके से सेवा प्रदान कर रहे हैं सभी देवी भक्तों का। यहाँ पर देखिए पानी पिलाया जा रहा है, शरबत पिलाया जा रहा है और हर किसी की प्यास जो है यहाँ बुझाई जा रही है, पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ पे भी हैं जो उपवास के दिन स्पेशली ये देखिए खड़े हुए हैं, साबूदाना की खिचड़ी यहाँ खिलाई जा रही है उपवास के दिन। तो ये जो है आप अपने घर से बनाकर लाई है मैम? मंदिर से। अच्छा, मंदिर से बन के आती है। यस सर, सबके लिए आज खाली खिचड़ी है, इसके अलावा भी कोई साबूदाना खिचड़ी डेली बटती है हमारे यहाँ पे। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ साबूदाना की खिचड़ी बट रही है, शरबत दिया जा रहा है और भी बहुत सारी संस्थाएं यहाँ पर प्राइवेट जो मौजूद हैं, जो लगातार हम देख पा रहे हैं। आपने बताया बेहद गर्मी है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की भक्ति, लोगों का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी जो कतारें हम देख रहे हैं, बेहद खूबसूरती से मंदिर प्रांगण को भी सजाया गया है, बहुत ही सुंदर तोरण लगाए गए हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत माता के दर्शन करवाने के लिए।